हम लोग पढ़े 10th कैंटो और फर्स्ट सेकंड फर्स्ट वर्स उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। श्री 2nd कैंटो 10th चैप्टर। शीशुको वाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतया मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। I'll just start. ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री प्रभुपाद की जय। ये जो सेकंड कैंटो 10 चैप्टर में जो ये श्लोक है, इसमें सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि महापुराण जो होती है उसमें 10 सब्जेक्ट मैटर है। नाउ जनरली जो पुराण है, पुराण जो लिखी गई है, मैंने बताया था 18 पुराण है, 18 उप पुराण है और 18 उप पुराण होती हैं। मगर पुराणों के सब्जेक्ट्स कुछ है नहीं, कुछ पुराणों में बहुत सारी चीजें डिस्कशन की गई हैं, बहुत सारे राजाओं की, वंशों की, इतिहासों की डिस्कशंस हैं डिटेल्स में। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो जनरली जो पुराण होती है, पुराण के 5 सब्जेक्ट मैटर होते हैं, 5। मगर श्रीमद् भागवत महापुराण है और इसीलिए इसमें 10 सब्जेक्ट मैटर है, 10 टॉपिक्स हैं डिस्कशन के। और वो टॉपिक्स क्या है? सर्ग विसर्ग, स्थानम पोषणम उतय, मनमंत्र ईशानुगथा, निरोधो मुक्ति आश्रय। अभी क्या है हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ये होते क्या है। मगर अगर आप भागवतम को टॉपिक्स में डिवाइड करोगे तो 10 टॉपिक्स आएंगे। ओके, सो व्हाट आर दीस? दूसरे श्लोक में लिख रहे हैं, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम नाना नवानम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मना श्रुतेन अर्थेन च अंजसा। इन 10 टॉपिक्स में से मेन जो टॉपिक है वो है दशमस्य, 10वां टॉपिक जो है आश्रय। सो जनरली क्या होता है कि जैसे हम उसकी बात करते हैं, शरणागति की बात करते नहीं करते हैं, तो शरणागति में कितने शरणागति क्या होती है? तो शरणागति में षडंग शरणागति कहते हैं, है नी? अगर शरणागति की बात करोगे तो शरणागति में 6 कहते हैं, 6 अंग है, यानी शरणागति के अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिषति इति विश्वासो गोप्यते वर्णम, तथा आत्मक्षेप कार्पण्य षड्विद्धा शरणागति। दैट्स ओके। मगर इन 6 में से मेन चीज क्या है? दैट्स इंपॉर्टेंट। सो क्या है, अगर आप शरणागति की बात करो, इन 6 में से मेन अंग कौन सा है? जैसे अगर मान लीजिए किसी के 6 बच्चे हैं तो एक बच्चा मेन होगा, है नहीं, लीडर। तो शरणागति की बात करते हैं तो इनमें से 6 मेन चीज क्या है? आत्मक्षेप कार्पण्य। कुछ लोग कहते हैं कि मेन चीज है रक्षिष्यति इति विश्वासो। श्री वैष्णव संप्रदाय में लिखा है कि भगवान शरणागति में मेन चीज है कि आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान, विश्वास नहीं, महाविश्वास होना चाहिए कि भगवान आपकी रक्षा करेंगे। अगर ये चीज उड़ गई और बाकी चीजें हैं भी, तो उसका कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा, है नहीं? जैसे मान लीजिए आपने खाना बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बस नमक डालना भूल गए, स्वाद आएगा? अब कितने मसाले डाल दो, नहीं आएगा। तो ऐसे ही यहां पर बात कर रहे हैं, भागवतम में 10 टॉपिक्स हैं, मगर अगर उसमें से आश्रय टॉपिक उड़ा दिया तो भागवतम का कोई पॉइंट
है ही नहीं, क्योंकि सारी जो भी डिस्कशन हो रही है भागवतम में हमारी मदद कर रही है कि हम भगवान का आश्रय ले सकें। हम सेवा भी इसलिए कर रहे हैं कि भगवान का आश्रय ले सके, नाम भी इसलिए ले रहे हैं कि भगवान का आश्रय ले पाए, वैष्णव का इसलिए ले रहे हैं कि भगवान का आश्रय ले। अगर आपने सब कुछ कर लिया और भगवान का आश्रय नहीं ले पाए तो पॉइंट ही क्या है फिर उसका। अब आश्रय है क्या वो हम डिस्कस करेंगे, बट यहां पे लिख रहे हैं दशमस्य विशुद्धि अर्थम, कि आश्रय जितने भी नौ टॉपिक्स हैं तो फर्स्ट नाइन कैंटो में नाइन टॉपिक्स डिस्कस हुए और आश्रय जो है टेंथ टॉपिक वो फिर टेंथ कैंटो में डिस्कस हुआ है। सिंपल सी बात है, इस तरह से भागवतम डिवाइडेड है। और फिर ग्यारहवें बारहवें स्कंद में क्या है, ग्यारहवें बारहवें स्कंद प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वो फिर रिपीटिशन है, जितना भी डिस्कशन हुई है उसको दोबारा से उसको फिर समरी दी गई है ग्यारहवें और बारहवें स्कंद में। ऐसे भगवद्गीता में भी ऐसा ही है, भगवद्गीता में नौवे अध्याय तक गीता खत्म हो गई, तो उसके बाद क्या चल रहा है, तो उसके बाद क्या चल रहा है, उसके बाद 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th चैप्टर्स में भगवान दोबारा से जो एक्सप्लेन किया है उसको एक मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिफरेंट पर्सपेक्टिव कैसे कहेंगे, एक दूसरी दृष्टिकोण में उसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सो क्या है ये सारी चीजें, तो आश्रय, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी संप्रदाय में ऐसा कहते हैं आश्रय ही मेन टॉपिक है भागवत का, वल्लभ संप्रदाय में कहते हैं कि निरोध मेन टॉपिक है। निरोध मतलब पता है क्या होता है, निरोध मतलब होता है रोकना, रोकना, निरोध, स्टॉप, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन देना। कहने का मतलब है निरोध मतलब कि माया को पूरी तरह रोक देना। जब माया को आप पूरी तरह रोक देते हो अपने भक्ति के प्रभाव से, आपकी भक्ति इतनी स्ट्रांग है कि माया का जो करंट है आपको छू नहीं पा रहा है, नहीं? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कार्तिकवीर अर्जुन, पता है कार्तिकवीर अर्जुन कौन था, किसी को पता है? कार्तिकवीर अर्जुन कार्तिकवीर अर्जुन ऐसे व्यक्ति हैं कि रावण भी उसके सामने चूहा था, कार्तिकवीर अर्जुन वो थे, ही वॉज अ किंग, जिनके जिनके तो कितने हजार हजार हाथे थे, एक हजार हाथे हाथ हाथ थे, और कार्तिकवीर अर्जुन इतना स्ट्रांग था कि वो एक बार नर्मदा नदी में या नर्मदा नदी में वो नहा रहा था अपने मतलब अपने रानियों के साथ, तो रावण वहां नीचे मतलब वो नदी में नहा रहा है, ऊपर वहां नीचे रावण बैठा है, तो रावण वहां पे अपना कैंप लगाया हुआ था, उसने ऊपर था आई थिंक एक मिनट हाँ ऊपर था, कार्तिकवीर अर्जुन यहां था नीचे नदी में, रावण का कैंप ऊपर था, रावण ने ऊपर कैंप लगाया हुआ था, तो कार्तिकवीर अर्जुन नहा रहा था अपना, तो कार्तिकवीर अर्जुन ने अपने हजार हाथ कर लिए और हजार हाथों से डैम बना दिया, नदी को ही रोक दिया एंजॉय करने के लिए, तो सारा पानी वहां पे रावण अपना मुंह धो रहा था, सारा पानी उसके कैंप वैम में आके फ्लड हो गया वहां पे, रावण का कौन है ये, तो रावण वहां पे रावण तो ऑफकोर्स रावण है, तो रावण वहां पे लड़ने गया, उसने देखने गया तो कार्तिकवीर अर्जुन खड़ा था वहां, तो रावण का कौन है, तो कार्तिकवीर अर्जुन तो एंजॉय कर रहा था, तो उसने अपने एक हाथ से रावण को पकड़ा और पकड़ के दबा लिया यहां पर, रावण कुछ नहीं कर पाया और उसको पकड़ के एक पिंजरे में बंद कर दिया। कार्तिकवीर अर्जुन ऐसे, रावण वो जिसको कि राम भगवान ने प्रशंसा की थी रावण की, बाय द वे, कि इतना स्ट्रांग है रावण, वो व्यक्ति है जिसने दशों मतलब सारे जो जो आपके नव ग्रह हैं उनको अपनी सीढ़ी बनाया हुआ था, जो नौ ग्रह है ना उसको अपनी सीढ़ी बनाया हुआ था और उस पर चल के आता था अपने व्यासासन पे, व्यासासन जो भी था उस पर बैठता था, सब उसके सामने ऐसे बच्चों की तरह खड़े रहते थे, और कार्तिकवीर अर्जुन ने पकड़ के रख लिया। सो कार्तिकवीर अर्जुन ने क्या किया था, उस नदी का निरोध किया था, स्टॉप कर दिया, नहीं ये स्टॉप, तो ये शब्द वहां पे भी आ रहा है निरोध, स्टॉप किया था। ऑफ कोर्स बाद में क्या हुआ, व्हाट अबाउट इट, वो तो चलो कार्तिकवीर अर्जुन को किसने मारा था बाद में, तो कार्तिकवीर अर्जुन ने छोड़ दिया रावण को, उसने कहा कि परशुराम ने मारा था कार्तिकवीर अर्जुन को बाद में, वेल व्हाट अबाउट इट।
सो कुछ वल्लभ संप्रदाय में कहते हैं निरोध मेन मेन चीज है। आप जो भी भक्ति में कर रहे हो निरोध के लिए कर रहे हो, हम जो भी भक्ति में कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि जिससे माया हमें छू, हमें इतनी शक्ति आ जाए कि माया हमें छू भी ना पाए। या दूसरे शब्दों में कह लो कि हम जो भी भक्ति में कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मन शांत हो जाए, प्रशमम शम, शम कहते हैं इसको, शम पता ना, क्षमा दमा तपा शौचम, प्रभुपाद गीता में लिख रहे क्षमा, मन शांत होना चाहिए। अगर मन आपका शांत नहीं है तो आप जो भी चीज भक्ति में कर रहे हो उसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि भक्ति के अंग इसी तरह बनाए गए कि मन शांत हो जाए, शांत मन से हम भगवान के नाम ले सकें। क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक भगवान का नाम हम अच्छी तरह ले नहीं पाएंगे, और जब तक हम भगवान का नाम अच्छी तरह नहीं ले पाएंगे तब तक हम समाधि में कभी नहीं जा रहे, और जब तक समाधि में नहीं जाएंगे तब तक भगवान से कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता। भगवान के दर्शन, भगवान से कॉन्टैक्ट समाधि में होता है। ट्रांस समझते हो, ट्रांस समाधि मतलब जब मन रुक जाता है, ठहर जाता है भगवान के नाम में, इधर उधर भाग नहीं रहा। इनफैक्ट द्रौपदी के बारे में लिखा है कि द्रौपदी ने पहले चिल्लाया नहीं गोविंदा गोविंदा, है नहीं, जब उसका चीरहरण हो रहा था, भगवान हेल्प करने नहीं आए। सो ऑफकोर्स उसकी कई एक्सप्लेनेशन है, मगर एक एक्सप्लेनेशन ये है कि भगवान क्यों नहीं हेल्प करने आया उसकी, क्योंकि जब वो गोविंदा गोविंदा चला रही थी तो उस टाइम उसका माइंड डिस्टर्ब था, मतलब और भी चीजें सोच रही है ना, वो चिल्ला रही है गोविंदा गोविंदा गोविंदा, और फिर और भी सोच रही है कि भाई मेरी ये हेल्प कर दे, ये हेल्प कर दे, ये हेल्प कर दे, व्हाटएवर इट इज, शुरू में नहीं आया, मतलब उसने एक बार नहीं चिल्लाया था गोविंदा 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 चिल्लाया तब आए भगवान, तो पहली बार में क्यों नहीं आया, दैट्स अ क्वेश्चन। तो मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि वेल क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब था शुरू में, फिर जब उसने बोला गोविंदा 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 तो दूसरे और तीसरे नाम तक उसका माइंड पूरी तरह शांत हो गया, सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर दी, अब वो ट्रांस में चली गई, समाधि में चली गई। समाधि मतलब उसको कुछ भी नहीं पता, अब उसको फिर पता ही नहीं, दुर्योधन बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे, कुछ भी नहीं पता, वो पूरी तरह फिक्स्ड हो गई और फिर भगवान वहां पे प्रकट हो गए। सो जब तक हम इस मतलब समाधि की वैल्यू है, तो जब तक हम हमारा माइंड इस तरह से फिक्स नहीं होता तब तक भगवान के नाम रूप गुणीला प्रकट नहीं होते। मगर मन को शांत करने के लिए क्या चीज चाहिए आपको, दैट्स अ क्वेश्चन। उस निरोध को प्राप्त करने के लिए क्या चीज चाहिए, जो पहली सारी चीजें वो समझनी पड़ेंगी, वरना आप निरोध तक पहुंचोगे ही नहीं, मन शांत नहीं होगा। मन को शांत करने के लिए भगवान को समझना पड़ेगा, भगवान है कौन, किस तरह काम करते हैं। वैसे भागवतम कह रही है मन को शांत करने के लिए पता क्या करना होता है, 11th कैंटो में श्लोक है, मतलब आप कह सकते हो कि मन को शांत करने के लिए दो ही चीजें चाहिए बस, एक ज्ञान और एक वैराग्य। सो यहां पे ज्ञान का मतलब है भगवान की नॉलेज, और वैराग्य का मतलब क्या है बता सकते हैं, ये एक्चुअली उल्टा कह लो, एक्चुअली उल्टा है। ज्ञान और वैराग्य क्या है हमारी भक्ति में, ज्ञानियों के लिए ज्ञान वैराग्य अलग है, ज्ञानियों के लिए ज्ञान है वेद पढ़ना, वैराग्य है हिमालय पे चले जाना, सब कुछ छोड़ देना। भक्तों के लिए ऐसा नहीं है, भक्तों के लिए ज्ञान वैराग्य क्या है, ज्ञान है भक्तों के लिए दिव्य गुणों की चर्चा। एक्चुअली ज्ञान क्या है, ज्ञान है अच्छी क्वालिटीज। भगवान गीता में कह रहे कौन सा श्लोक है, इति ज्ञानम अज्ञानम अन्यथा, वो कौन सा श्लोक है, वो आई थिंक 13 चैप्टर फर्स्ट वर्स, हाँ 13:1-9 श्लोक है, पता नहीं मैं भूल भी गया। भगवान कह रहे ये ज्ञान है, इसके सिवाय सब कुछ अज्ञान है। वो क्या है मुझे दिखाना जरा, फोन है किसी के पास, दैट्स अ वेरी गुड वर्स, ओके लेट्स सी, या ओके 13:8-12 भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान है। अब आप ध्यान से सुनो ज्ञान क्या है,
भगवान भगवान का गर्भ सुनोगे ज्ञान के भगवान कह रहे हैं अमानित्वम अधम वित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह 13th chapter 8th verse 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक ज्ञान ही है क्या है अहंकार नहीं होना अहिंसा शांति सरलता आचार्य की उपासना करना पवित्रता स्थिरता इंद्रियों का निग्रहण जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसके दोषों का दर्शन करना क्या हो रहा है सब तो ये सब क्या है यू कैन सी ये सब क्या है ये सब अच्छे क्वालिटीज हैं है नहीं अच्छी क्वालिटीज तो हैं अच्छे गुणों की बात कर रहे हैं कृष्णा कह रहे हैं कि ये सब ज्ञान है इसके सिवाय जो भी है एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा बाकी सब कुछ अज्ञान है सो व्हाट इज दिस दिस इज गुड क्वालिटीज नहीं सो भक्ति में ज्ञान का मतलब है ब्राह्मणिकल गुण भाई अगर आप अच्छे ही नहीं बन पाए तो आपके ज्ञान बवंडर का फायदा क्या है नहीं आपने सबको सीख लिया और आप में अच्छे गुण ही नहीं आ पाए तो लोग क्या कहेंगे कहेंगे सीखा क्या है भाई इसने इसलिए कृष्णा कह रहे हैं ज्ञान मतलब अच्छे गुण मतलब विजडम ज्ञान मतलब विजडम नॉलेज नहीं होती और विजडम का कनेक्शन होता है करेक्टर से चरित्र से है नहीं विजडम और चरित्र इसको कहते हैं ज्ञान और वैराग्य क्या है वैराग्य मतलब है भक्ति में वैराग्य का मतलब कुछ और है भक्ति में वैराग्य का मतलब क्या होता है किसी को पता है वो ठीक है भक्ति में वैराग्य का मतलब है मन का शांत मन को शांत मन शांत हो जाना एक मतलब ये है मन शांत हो जाना वो भक्ति का वैराग्य है छोड़ छाड़ना नहीं कुछ मन शांत हो जाए किसी भी सिचुएशन में मन डिस्टर्ब नहीं हो रहा और वो तब होगा जब भगवान से हम जुड़ जाएंगे ये दोनों चीजें तब होंगी जब भगवान से हम जुड़ जाएंगे तो जितनी भी चीजें ना जो हम भक्ति में जो भी हम कर रहे हैं उससे निरोध होना चाहिए जब तक निरोध नहीं होगा तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं अच्छे गुण आने चाहिए और मन को शांत हो जाना चाहिए तब ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह से निरोध भी इंपॉर्टेंट है और आश्रय भी इंपॉर्टेंट है ओके ये चीजें हैं क्या अब हम इसमें डिस्कस करेंगे बट भागवत कह रहे वर्णयंती महात्मना श्रुतेना अर्थेना च अंजसा नाउ अर्थेना च अंजसा तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने इस भागवतम में इन 10 टॉपिक्स को डिटेल्स में और समरी में डिस्क्राइब किया अबे है क्या लेट्स सी अत्र सर्ग पहला टॉपिक क्या है सर्ग तो सेकंड कैंटो और थर्ड कैंटो में सर्ग की चर्चा है मोस्टली सेकंड कैंटो सर्ग क्या होता है ना, तीसरा श्लोक भूत मात्र इंद्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरता सर्ग मतलब होता है क्रिएशन बस सृष्टि आदि सृष्टि को कहते हैं सर्ग मतलब कहने का मतलब है कि जो चीज भगवान बनाते हैं उसको कहते हैं सर्ग ओरिजिनल क्रिएशन तो भगवान ने क्या बनाया है भगवान ने डायरेक्ट ये पृथ्वी जल वायु अग्नि ये सब किसने बनाए है भगवान ने बनाया है नहीं मतलब यूं कह लीजिए आप कि मान लीजिए अगर आप कोई तो मान लीजिए अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उस कंस्ट्रक्शन में जो सिविल इंजीनियर होता है ना एक सिविल इंजीनियर होता है नहीं होता है तो सिविल इंजीनियर कौन है वो ब्रह्मा जी है मगर जो मटेरियल सप्लाई करने वाला है वो कौन है वो कृष्ण है बस ये कहते हैं तो टेक्निकली इसको अगर आप इसको टेक्निकल भाषा में बोलो तो उसको बोलते हैं उपादान और निमित्त उपादान मटेरियल कौन सप्लाई कर रहा है भैया संसार के पृथ्वी जल वायु अग्नि जिससे चीजें बनी है सप्लाई कौन कर रहा है वो सप्लायर कृष्ण है अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते भगवान क्या कह रहे हैं मुझसे सब कुछ आ रहा है मैं प्रोड्यूसर हूं इस इतनी बड़ी पिक्चर का प्रोड्यूसर कौन है कृष्णा और फिर क्या कह रहे हैं मत्त सर्वम प्रवर्तते मैं इसका डायरेक्टर भी हूं कि मैं चला रहा हूं सारी सृष्टि तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कौन है इस संसार का कृष्ण है ये जो पिक्चर देख रहे हो ना इतनी बड़ी
इसमें खो गए हो, इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कृष्ण है ऑफ कोर्स, मगर उसके बाद क्या कहते हैं उसको, को प्रोड्यूसर या को डायरेक्टर फिर ब्रह्मा जी है अपना कर कर के, भैया तुम संभाल लो जो भी है, वो बात होती है ब्रह्मा जी। तो सर्ग मतलब प्रोड्यूसर, इस संसार के, इस संसार की चीजें कौन सप्लाई कर रहा है वो कृष्ण, उसको कहते हैं सर्ग, वो है कृष्णा। तो कृष्ण भगवान ने सबसे पहले मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि ये तो कोई बना ही नहीं सकता ना, ये तो भगवान ने बनाए, पांच तरह के तत्व होते हैं ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि, सॉरी भूमेरापो नलो वायु खम, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश है नहीं, अब ये कोई बना थोड़े ना सकता, ये तो है ही ऐसा। भगवान, भगवान जल को अग्नि बना सकते हैं, अग्नि को हवा बना सकते हैं, आकाश को पृथ्वी बना सकते हैं, भगवान में इतनी शक्ति है, उसको बोलते हैं घटन अघटन पट्यसी, जो घटने, जो घटा नहीं है उसको अघट कर सकते हैं, जो हो चुका है उसको खत्म कर सकते हैं, कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं नहीं। तेजो वारी मृदम पहला श्लोक है ना, विनिमयो नहीं, पहला श्लोक नहीं आ रहा, सो कुछ भी कर सकते हैं, आत्मा को जड़ वस्तु बना सकते हैं, जड़ वस्तु को आत्मा बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर एक क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसी चीज है भगवान जो नहीं कर सकते, क्या कहते हो? ये एक्चुअली एक फिलोसफर ने पूछा था, जीनो ने, ग्रीक फिलोसफर है, मुझे चलो ठीक है गॉड सब कुछ कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी चीज है गॉड नहीं कर सकते, प्रभुपाद से पूछा था एक्चुअली, प्रभुपाद से डिस्कशन में हुआ था। तो क्या आंसर है इसका, दूसरे कृष्णा नहीं बना सकते, वो तो आराम से बना सकते, रासलीला में क्या हुआ था, हजार कृष्णा आ गए थे से बड़ी उसे क्या नहीं कर सकते वो, क्या चक्रवाणी पटेल ओके आया, सो क्या है क्वेश्चन, एक्चुअली जीनो ने क्वेश्चन पूछा था, जिन्होंने एक्चुअली क्वेश्चन पूछा था कि भगवान क्या ऐसा पत्थर बना सकते हैं जो उठा नहीं पाए, ये क्वेश्चन था, ऐसा कुछ बना सकते हैं जो खुद उठा नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने सारे ब्रह्मांड को उठा रखा है, ऐसा कुछ बना सकते हैं उठा नहीं पाए, तो उसका अब आप फंस गए, क्योंकि आप कहोगे कि वो नहीं बना सकते तो वो भगवान नहीं है, सब कुछ बना सकते हैं, और आपको बना सकते हैं ऐसा पत्थर जो खुद ना उठा पाए तो फिर इसका मतलब वो उसमें शक्ति नहीं उठाने की, तो वो भगवान नहीं है, इसी उन्होंने इस क्वेश्चन से ट्रैप किया था जीरो मैथमेटिशियन था, सो मैथमेटिक्स में सोचता था, तो उसने फंसा दिया, उसने जो मतलब उस मतलब जीनो की डिबेट हुई थी आस्तिकों से, मतलब ये जो वर्ड है ना आस्तिक, ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, ये संस्कृत भी है मगर ग्रीक वर्ड भी है, और नास्तिक भी ग्रीक वर्ड है, मतलब उनके वहां भी नास्तिक ही बोलते थे और आस्तिक बोलते थे, तो उनमें डिबेट हुई, तो आस्तिक उन्होंने कहा भगवान है सर शक्तिशाली है ये वो, तो जीनो नास्तिक की साइड में था, उसने हरा दिया, उसने पूछ लिया कि भगवान को ऐसा बना सकते हैं जो उठा नहीं सकते, अब वो फंस गए, क्योंकि सर शक्तिशाली है तो बना सकते हैं कि उठा नहीं सकते, अगर वो कहे बना, अगर वो कहे नहीं बना सकते तो फंस गए, अगर वो कहे कि बना सकते हैं तो फिर उठा नहीं सकते, इसका मतलब भगवान नहीं है, वो हार गए वो तो एक्चुअली प्रभुपाद से फिर क्वेश्चन पूछा था डिस्कशन में, कि प्रभुपाद जिन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो हमारा क्या आंसर है, तो प्रभुपाद ने बताया क्या आंसर दिया, प्रभुपाद ने कहा बना सकते हैं ऐसा पत्थर जो नहीं उठा सकते, और बनाने के बाद फिर उठा लेंगे, अपनी शक्ति बढ़ा के फिर उठा लेंगे, दैट्स इंटरेस्टिंग आंसर नहीं। सो भगवान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मगर फिर उसको करने के बाद उसको फिर से दोबारा रिवर्स भी कर सकते हैं, यू सी द पॉइंट, इसलिए भगवान की शक्ति को घटन अघटन पट्यसी कहते हैं, प्रभुपाद लॉजिक वहां से लाए हैं, भगवान कुछ चीज घट भी सकते हैं, फिर घटने के बाद फिर उसको क्या कर सकते हैं, अघट, अघट मतलब रिवर्स कर देंगे, कर सकते हैं भगवान सो कुछ भी कर सकते, क्या भगवान अपने आप को भुला सकते हैं कि वो भगवान है, क्या कहते हो? अब तो बहुत आसानी से आंसर यस कह रहे हो, क्योंकि हमें पता है ना व्रज के बारे में, मगर वैकुंठ वाले नहीं कह पाएंगे यस, मगर हमें पता है भुला सकते हैं, तो घटन घट भुला सकते हैं, मगर फिर उसको अघट भी कर देंगे, रिवर्स भी कर देंगे, फिर उसके बाद अपने को याद भी दिला देंगे कि मैं भगवान हूं, ऐसा कर सकते हैं भगवान, दैट इज गॉड, इम्पॉसिबल एंड पॉसिबिलिटी,
एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी भी पॉसिबिलिटी है भगवान में। ये भगवान की माया की डेफिनेशन है ये, जिस जितनी शक्ति भगवान में उतनी शक्ति सेम माया में। आप देख रहे हो माया कितनी डेंजरस है, कुछ भी कर सकती है वो, कुछ भी कर सकती है वो। सो व्हाट यू डू, इसको कहते हैं सर्क, समझ गए सर्क मतलब क्या हुआ, समझ गए ना सर्क, कि भगवान ने सब कुछ बना दिया, ठीक है, पृथ्वी जल वायु अग्नि दे दिया, बना के ब्रह्मा जी को दे दिया, प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, अब आप इसको मिला मुलू के चीजें बना दो, इसको कहते हैं सर्क, ओरिजिनल क्रिएशन। ब्रह्मनो गुण वैषम्याद विसर्ग पौरुष स्मृत, और फिर ब्रह्मा जी इन पृथ्वी जल वायु अग्नि तमोगुण रजोगुण सतोगुण इन शक्तियों को लेकर मिला मुलू के फिर ये संसार बनाते हैं, उसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग मतलब वी से मतलब विशेष, विशेष क्रिएशन या सब क्रिएशन या सिविल इंजीनियरिंग। प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसे पॉपर्ट्स में, ब्रह्मा जी सबसे पहले सिविल इंजीनियर थे, प्रभुपाद लिख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ब्रह्मा जी ने शुरू की है। पता नहीं सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में ब्रह्मा जी की पूजा तो नहीं करते ना, दे एक्चुअली फूल्स है, एक्चुअली करनी चाहिए, पता है क्योंकि क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहले किसकी पूजा होती है, धनवंतरी भगवान विष्णु ने दी है ना, तो अगर आप स्थापत्य वे देखोगे, स्थापत्य मतलब सिविल इंजीनियरिंग वस्तुशास्त्र, सबसे पहले ब्रह्मा जी की पूजा है उसमें, आप पढ़ के देख लो, विष्णु एंड ब्रह्मा, क्योंकि उन्होंने सर्ग विसर्ग किया है, वो ओरिजिनल सिविल इंजीनियर है, तो उन्होंने बनाया। ओके एक क्विज है, राम भगवान की लीला में कौन थे सिविल इंजीनियर, नल और नीला सिविल इंजीनियर थे, और स्पेशली ब्रिजेस बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे, ब्रिज बनाने में, तभी तो राम भगवान जब समुद्र के पास बैठे थे तो समुद्र देवता ने कहा कि तुम नल नील से बोलो कि ब्रिज बनाए, वो एक्सपर्ट है, और फिर उनको हम लोग, तो हम लोग नीचे से सपोर्ट करके देवता लोग उसको पानी पे तैरने मतलब तैरा देंगे, वॉट एवर इट इज, सो देवा देव। ओके सो ये सर्ग विसर्ग हो गया, दो टॉपिक्स, सर्ग की चर्चा सेकेंड कैंटो में और थोड़ी बहुत थर्ड कैंटो में, विसर्ग की चर्चा है थर्ड एंड फोर्थ कैंटो में, तीसरे और चौथे स्कंद में विसर्ग की कैसे सेपरेशन हुई है। ओके फिर उसके बाद क्या है, तीसरा टॉपिक है स्थिति, तत्सर्ग विसर्ग स्थानम, स्थानम स्थानम टॉपिक है, तो क्या लिख रहे हैं, स्थिति वैकुंठ विजय। स्थिति क्या होती है, वैकुंठ विजय, स्थिति मतलब है कि भगवान के आदेशों को पालन करना। स्थान, स्थान एक जीव आत्मा का स्थान क्या है, भगवान के चरण है ना, यही है ना, तभी तो महाप्रभु प्रे कर रहे हैं, अनंदा तनुजा, अनंदा तनुजा पतितम, मैं भूल गया कैसे, अनंदा तनुजा पतितम माम विषमे विवाम वदो कृपया तप पाद पंकज स्थित धूली, आ रहा है ना स्थित, कि आप हमें अपने चरणों में स्थित कर लीजिए। और भगवान के चरणों में कौन होते हैं, मतलब भगवान के चरणों में क्यों स्थित होना चाहते हैं, भगवान के होठों पे क्यों नहीं स्थित होना चाहते, या हाथों पे क्यों नहीं, क्योंकि चरणों में कौन है, डिवोटीज हैं, भगवान के चरणों में भक्त रहते हैं, इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं भगवान आप अपने चरणों में स्थित कर लीजिए, क्योंकि आपके चरणों में भक्त रहते हैं और मैं भक्तों का भक्त बनना चाहता हूं। मतलब महाप्रभु की प्रेयर्स डायरेक्ट भगवान के बॉडी के कॉन्टैक्ट में आने की नहीं है, डिवोटी के कॉन्टैक्ट में आने की है, इसलिए वो कह रहे हैं आप अपने चरणों में स्थित कर लीजिए। तो स्थिति, तो स्थानम, और चरणों में इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि चरणों में सेवा होती है नहीं, तो स्थानम का मतलब है, तीसरा टॉपिक है भगवतम का स्थानम, स्थानम मतलब वैकुंठ विजय, कि वैकुंठ के स्वामी जो है नारायण उनकी सेवा में स्थित हो जाना। तो तीसरा टॉपिक भागवतम का हमें सिखाता है कि सेवा क्या होती है, और सेवा का एक ही मतलब है जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान के नियमों का पालन करना। वो सेवा, सेवा ही क्या जिसमें भगवान के नियमों का पालन हो ही नहीं रहा, वो तो अपने मन से सेवा चल रही है, मन से सेवा तो सेवा होती नहीं, मन से तो मन मौजी होती है, वो सेवा होता ही नहीं। सो वो स्थिति है। ओके सो फोर्थ एंड फिफ्थ कैंटो, लार्जली फोर्थ कैंटो, वो स्थानम के बारे में समझा रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ कैंटो। और फिर कौन, कितने फोर्थ टॉपिक हो गया, पोषणम, पोषणम मतलब
पोषणम तद अनुग्रह. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पोषणम वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली. किसी को पता है क्यों इंपॉर्टेंट है पोषणम? क्या कह रहे हो? पोषणम जो वर्ड है पूरी की पूरी वल्लभ संप्रदाय इसी एक शब्द पे बेस्ड है. वल्लभ संप्रदाय को क्या बोलते हैं? पुष्टि मार्ग. सुना है नहीं सुना है? पोषणम मतलब होता है कि पालन करना. भगवान ये फोर्थ टॉपिक है. भागवतम हमें सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों का पालन करते हैं. कैसे करते हैं? तद अनुग्रह, अपने भक्तों पे अनुग्रह करके पालन करते हैं भगवान. तो अनुग्रह का मतलब क्या है? अनुग्रह का मतलब कृपा. ओके, एक क्विज है. भगवत गीता में भगवान का कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों का पालन अनुग्रह से करता हूं. वैल्यू से हाँ. भगवत गीता तत्यनुकंपा भागवतम है. भगवत में कौन सा श्लोक है? भगवान कह रहे हैं मैं अपने भक्तों का पालन कृपा से करता हूं. भगवान अपने भक्तों का पालन चीजों से नहीं करते, फैसिलिटीज देके नहीं करते, कृपा से करते हैं. कौन सा श्लोक है? पूरा श्लोक क्या है? किसी को? हाँ, वो भी है. दो श्लोक है. एक तो ये वाला श्लोक है, सेकंड चैप्टर एंड कौन सा श्लोक है? 61 आई थिंक. क्या श्लोक है? मैं भूल गया. राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषय इंद्रियेश चरण आत्मा वशैर्विदे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति. वैसे जनरली ये तो श्लोक कह रहा है कि उसको प्रसाद कृपा मिलती है. इसमें ये नहीं बोला कि कृपा से वो भगवान अपने भक्तों का पालन कर रहे हैं. ये स्ट्रिक्टली वो नहीं है. उसका श्लोक योगक्षेम वहां में हमें, अब वो पूरा श्लोक मैं भूल गया हूं वैसे, पता नहीं क्या. योगक्षेम वहां में हम, कृष्णा गीता में कह रहे हैं मैं अपने भक्तों का वाहन करता हूं. वाहन मतलब पालन करता हूं. कैसे करता हूं? योग और क्षेम से. अब योग क्या है? जनरली इसकी ट्रांसलेशन है, योग मतलब भगवान कह रहे हैं जो उसके पास नहीं है वो मैं उसको देता हूं, योग मतलब. और क्षेम मतलब जो है मैं उसको उसके पास रखता हूं. सो भगवान वाहन करते हैं. तो इस पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि डिवोटी के पास क्या नहीं है जो भगवान देते हैं? कृपा नहीं है. नहीं, भगवान की कृपा ही तो नहीं है, तभी तो भक्त कृपा मांगते हैं. कृपा नहीं है तो भगवान कृपा दे देते हैं. और क्या चीज रखते हैं? जो कृपा मिल गई है उसको, उसमें उसको, उसकी रक्षा करते हैं. क्योंकि जब जीवात्मा को कृपा मिल जाती है तो माया कोशिश करती है उस कृपा को नष्ट कर दे, उसकी रक्षा करते हैं. तो इसीलिए भगवान अपनी कृपा से अपने भक्तों की का पोषण करते हैं. तो वो भगवत में वही श्लोक है, यहाँ पे भी भगवान वही करें. पोषणम तद अनुग्रह. भगवान मतलब ये समझ लीजिए कि भगवान अपने भक्तों को मोटा ताजा बनाते हैं कृपा से. तो जो लोग मोटे हैं वो जरूरी नहीं है कृपा, उनकी आत्मा को मोटा ताजा बना देते हैं. शरीर को अपने प्रसाद से बनाते हैं खिला खिला के, और आत्मा को कृपा से, उनकी कृपा हेल्दी हो जाती है. पोषण मतलब पुष्टि, हेल्दी हो जाती है उनकी उनकी आत्मा. सुकृपा से अपने भक्तों को पोषण करते हैं. ओके, ये आपका जनरली 5th, 6th और 7th कैंटो में टॉपिक्स है. मतलब ये मिक्स्ड है कैंटोस, मगर 5th, 6th और 7th कैंटो में स्कंद में पोषणम की बात की, क्योंकि उसके अंदर और सो इनफैक्ट या क्योंकि 7th कैंटो में प्रहलाद महाराज की कथा आ रही है. नहीं, अनुग्रह से भगवान ने उनका पोषण किया इस तरह से. ओके, मन और फिर उसके, ये कौन सा टॉपिक हो गया? 4 हो गए ना. और पांचवा टॉपिक है मन मंत्रानी. पांचवा टॉपिक है मन मंत्र, मन मंत्र ऋषानु कथा. पांचवा टॉपिक है मन मंत्र. पांचवा टॉपिक जो डील कर रहे हैं वो है मन मंत्रानी सद्धर्म. मतलब भागवतम डिस्कस कर रही है किस तरह धरती पे टाइम चलता है, टाइम किस तरह चल रहा है इस संसार में. क्योंकि पता है क्या है, इस संसार जब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे बहुत सारी चीजें होती रहती है. अब मैंने बताया कि पुराणों में अलग अलग वंशों की कथा है, तो उसके लिए टाइम भी रिकॉर्ड चाहिए ना.
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड चाहिए नहीं चाहिए, तो इसलिए भागवत हम डिस्कस करें टाइम चलता कैसे, और अलग अलग टाइम में अलग अलग मनु आते हैं, और फिर अलग अलग मनु के राज्य में अलग अलग राजाएं आते हैं और आते हैं और चले आते हैं, इस तरह समय चलता रहता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु आते हैं? पक्का ठीक है, 14 मनु। और एक मनु कितने साल जीते हैं? 72 चतुर्युग, 71 और 72, मतलब बीच में आता है, फ्रैक्शन भी आता है उसमें, 71 एंड पॉइंट ऐसी कुछ आता है, 0.4। तो 72 दिव्य युग, चतुर्युग के दिव्य युग भी कहते हैं, इतने साल एक मनु जीता है, और उसमें इतने सारे लोग, इतने सारे राजा आते हैं चले जाते हैं, और उसमें मतलब तो हम लोग सातवें मनमंत्र में जी रहे हैं, हमारे जो मनु उनका नाम वैवस्त मनु है, उसके सातवें मनमंत्र के 28th चतुर्युग में हम जी रहे हैं। यू कैन इमेजिन टाइम स्केल क्या है। सो हम लोग तो कीड़ों की तरह आए हैं, कीड़ों की तरह चले जाएंगे, हमारी कोई वैल्यू थोड़े ना है, यूं आए यूं चले जाए, करोड़ों राजा आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, हम यूं मरते हैं यूं चले जाते हैं। सो उसको कहते हैं मनमंत्र। टाइम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप टाइम जान लोगे तो आपकी अपने लिए इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। जो हम इतने अपने आपको इंपॉर्टेंट कहते हैं ना कि अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ, अगर आप समय जान लोगे, भाई इतने सारे चीजें हो गई, सब मर गए, चले गए, खप गए, तो हमें टेंशन की क्या जरूरत है, है नहीं? टेंशन तो तब होती है जब आपको पता लग जाएगा कि आप अमर हो कि हम मरोगे ही नहीं, प्रॉब्लम चलती रहेगी। ये भी एक पर्सपेक्टिव है बाय द वे। टेंशन खत्म, ऑफकोर्स अगर आप जान लोगे अमर हो तो टेंशन खत्म भी हो जाएगी, अगर आप जान लोगे अमर हो तो टेंशन बढ़ भी जाएगी। सो अगर आप भगवान से डिसकनेक्ट होके, अगर भगवान पिक्चर में नहीं है और आप अपने को अमर बना लो तो टेंशन ही टेंशन रहेगी, अगर भगवान पिक्चर में फिर अपने आप को अमर बनाओ तो फिर आप टेंशन फ्री मुक्त जाओगे। इसलिए संसार में पता है कुछ भी चीज इतना अच्छी है ना बुरी है, यही तो भगवान कह रहे हैं कृष्णा। तो अमर होना अच्छा है बुरा है, वेल डिपेंड करता है। अगर आप अमर हो गए और भगवान के धाम में चले गए तो अच्छा है, अगर अमर हो गए और यहां पड़े हो तो आप गए काम से। जैसे तो किसके साथ प्रॉब्लम हुई थी, ये भीष्म पितामह, उनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी। भीष्म पितामह को वरदान मिले थे ना शांत, उन्होंने इच्छा मृत्यु का, सारे देवताओं ने फूल बरसाए, भीष्म पितामह फूले नहीं समाए, इच्छा मृत्यु आ गई। तो व्यासदेव आए, व्यासदेव ने कहा भीष्म खुश मत हो तुम, अब तो प्रॉब्लम शुरू हुई है, क्योंकि तुम इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया है, तुम मरोगे ही नहीं, और ऐसी चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। सो यू सी द पॉइंट, मतलब महाभारत पढ़ोगे ना अब तो आपको पता लगेगा कि स्टोरी बहुत जल्दी बदलती है, हमारी लाइफ की जो कहानी है ना वो कभी यू टर्न लेती है, कभी यू टर्न लेती है, हमें समझ नहीं आता, कभी यू टर्न भी ले लेती है, हमें पता नहीं एग्जैक्टली हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, समझ ही नहीं आएगा आपको। बहुत कॉम्प्लेक्स है कर्मों का चक्कर, बहुत कॉम्प्लेक्स है, आपको लगेगा अच्छा मगर एक्चुअली वो बाद में बहुत ही बुरा निकलेगा। विश्वतामा को लगा अच्छा है अच्छा मृत्यु, मगर एक्चुअली उनके लिए शाप बन गया वो, उसकी वजह से उनको द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों का वनवास, और फिर जो भी मतलब वो शैया पे भी पड़े रहे, मरे ही नहीं वो। इट वॉज सच अ हॉरिबल थिंग, 800 साल जिए थे विश्वतामा, 800 साल। सो ही सफर्ड। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं भाई कि तुम ना अपने लिए कुछ, तुम कुछ इच्छा ही मत करो, मुझसे मांगो मत, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम्हें नहीं समझ आएगा, अपनी कैलकुलेशन से तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हमें पता नहीं ना फ्यूचर में क्या होगा, हमें नहीं समझ आएगा। तो इसको बोलते हैं मनमंत्रानी, इसलिए टाइम जानना बहुत जरूरी है, समय कैसे चल रहा है बहुत जरूरी है जानना, उसको बोलते हैं मनमंत्रानी। ये आपका कौन सा टॉपिक है, फिफ्थ। सिक्स टॉपिक है ऊतया। ऊतया मतलब क्या होता है किसी को पता है? वैसे हिंदी में भी कहते हैं कि ये ऊत है, ऊत सुना है? ऊत पता नहीं आपके पंजाबी में होता है, ऊत होता है, ये बिल्कुल ऊत है,
हाँ और दंड, ऊत मतलब शैतान, शैतान जो शैतान बच्चा होता है उसको बोलते हैं ऊत है। ऊत है कर्म वासना, सिक्स टॉपिक है ऊतया। भागवतम ये भी डिस्कस कर रही है कि इतने सारे राजा आ गए, इतने सारे आ गए, मर गए, कितनी सारी चीजें हो गई, क्यों हो रही है इतनी सारी चीजें? क्योंकि ऊतया, क्योंकि सब में कर्म की अपनी अपनी करने की वासनाएं हैं। वो इतनी इच्छाओं की वजह से कोई राजा बन रहा है, इच्छाओं की वजह से कोई दुश्मन बन रहा है, इच्छाओं की वजह से कोई शैतान बन रहा है, इच्छाओं की वजह से कोई अच्छा बन रहा है। कर्म वासना जीवात्मा को अंदर से प्रेरित करती है। ऊतया वैसे मतलब होता है प्रेरणा देना जी। इच्छाएं अंदर से आपको फोर्स करेंगी, फोर्स कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, और उसे हिस्ट्री बन जाएगी और आप हिस्ट्री के पन्नों में एक छोटे से डॉट भी नहीं हो, ना डॉट भी नहीं हो, मतलब आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसको बोलते हैं ऊतया, कर्म वासना। तो ये टॉपिक डिस्कस किया गया आपका सेवेंथ और एट्थ कैंटो में, फिफ्थ या सिक्स सेवेंथ एट्थ कैंटो में, सिक्स में भी है ऊतया। सो कर्म वासना ऊतया, ओके। और फिर उसके बाद है सेवेंथ टॉपिक, कौन सा है, क्या है, ईशानु कथा निरोधो, क्या ईशानु कथा, ईशानु कथा क्या है, भगवान की कथा है। अब भाई प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीजों को रोकने के लिए क्या चाहिए आपको, अपनी कर्म वासना को रोकने के लिए, ये समझने के लिए कि समय इतना महान है, ये समझने के लिए कि भगवान की कृपा क्या है, इस सब के लिए आपको जानना तो पड़ेगा भगवान कौन है। तो इसलिए सेवन टॉपिक हो गया, सेवन्थ बात कर रहा हूं ना मैं, हाँ सेवन टॉपिक है। अवतार अनुचरितम हरिर्चस्य अनुवर्णितम पुंसामीश कथा प्रोक्ता नाना आखेन उपभ्रमिता। वेरी फेमस श्लोक, उपभ्रमिता, उपभ्रमिता होता है कि वर्णन करना। संस्कृत में ये जो वर्ड है ना आपका भ्रम, भ्रम भ्रम, ये तो एक्चुअली ये वर्ड आपका आयुर्वेद में भी आता है, आता है नहीं आता, ये तो आयुर्वेद डॉक्टर है, आता है ना भ्रमनम, मतलब मोटा कर देना। तो भ्रम मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। डिटेल्ड में बताया गया भागवतम में, भगवान की कथा को डिटेल्ड में बताया गया है, उनके अलग अलग अवतार, उनके और उन अवतारों में कृष्ण भगवान की कथा है, नहीं सब डिटेल्स में बताई, नहीं बताई है। तो ये सारे डिस्कशंस आपकी सेवेंथ एट्थ कैंटो में डिटेल्स में, अवतार एट्थ एंड नाइन्थ, इनफैक्ट नाइन्थ ऑल्सो। सो ये आपका सेवन टॉपिक है ईशानु कथा। और फिर उसके बाद आ गए हम एट टॉपिक, क्या है निरोध। निरोध क्या है, निरोधो अस्य अनुशयनम आत्मना स शक्ति भी। निरोध मतलब होता है अपनी बद अवस्था के से के जीवन संबंधी प्रवृत्ति के साथ जीव आत्मा का शयन करते हुए महाविष्णु में लीन होना प्रकट ब्रह्मांड का परिसमापन कहलाता है। ये आप कभी जिंदगी में नहीं समझ सकते ये छोड़ दो जो मैं बता रहा हूं समझ लो। निरोध अस्य अनुशयनम आत्मना, निरोध मतलब अपने मन को सुला देना। जैसे महाविष्णु सुलाते ना, तो महाविष्णु सोते ना चार महीने योग निद्रा में, ऐसे निरोध मतलब रोक देना, अपने मन को रोक देना, अपने मन को सुला देना। इनफैक्ट ये जो शब्द है निरोध, पूरा का पूरा बुद्धिज्म इस शब्द पे बेस्ड है। बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध ने इसी शब्द को लेके अपनी फिलॉसफी बनाई निरोध। इनफैक्ट ये शब्द और भी कहीं आ रहा है, पता है किसी को कहां आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली शब्द है निरोध। रामदेव बाबा, हिंट, पतंजलि सूत्र। पतंजलि सूत्र का क्या है, पहला सूत्र क्या है, चित्त वृत्ति निरोध आ गया ना, चित्त के वृत्ति को रोक देना। जैसे तो एग्जांपल दिया था, जैसे घड़े में पानी है, अब पानी को हिलाओ और मतलब उस घड़े में पानी है और पानी में आप एक वो डाल दो कॉइन, एक रुपए का सिक्का, तो नीचे चला जाएगा, फिर देखोगे तो दिखाई देगा। मगर घड़े को हिलाओगे पानी हिलेगा तो नहीं दिखाई देगा नीचे, है नहीं, जब तक पानी शांत नहीं होगा तब तक सिक्का
नहीं दिखाएगा। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक आपको अपनी आत्मा दिखाई नहीं देगी, नहीं दिखाई देगी। और मन शांत है या नहीं है उसका टेस्ट कैसे होगा? चैंटिंग से। वो आपको पता लग जाएगा कि चैंटिंग से पता लगेगा। वैसे मन शांत करने का मतलब आपका कि मन आपका चैंटिंग से क्यों, मतलब मैं चैंटिंग नहीं कर रहा फिर भी मेरा शांत है नहीं? आप कह सकते हो भी मैं तो सेवाएं कर रहा हूं कितनी सारी, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ कीर्तन करता हूँ, भागवत सुनता हूँ, प्रसाद लेता हूँ, फिर पूरे दिन सेवा करता हूँ, मेरा तो मन शांत रहता है, इतना डिस्टर्ब नहीं रहता है नहीं? कोई कह सकता है, बट एक्चुअली शांत मन है यानी वो चैंटिंग से पता लगेगा। क्योंकि पॉइंट ये है कि मन शांत वो ही कर सकता है जिसका अपने मन पे कंट्रोल है, वरना आप नहीं कर पाओगे। तो आप चैंटिंग करोगे तो आपको सारी सेवाओं से मन हटा के उसमें लाना पड़ेगा, नाम में। अगर आप ला सकते हो इसका मतलब आपका कंट्रोल है माइंड पे। अगर कंट्रोल है तो शांत रहेगा मन। भाई अगर आपको क्लास में बच्चों पे कंट्रोल है तो क्लास शांत रहेगी नहीं रहेगी? कंट्रोल होना चाहिए ना बच्चों पे। जिस टीचर का कंट्रोल है तो बच्चों पे वो कितनी कोशिश कर ले शांत नहीं होगा। चिंतप्रू होता है नहीं होता है ना? टीचर एक कंट्रोल में रहता है। जैसे लेक्चर में भी अगर लेक्चर में आपका कंट्रोल नहीं ऑडियंस पे तो सब सो जाएंगे। मतलब मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ एक तरह से, इफ यू अंडरस्टैंड, अपनी अपनी भाषा से, अपने लॉजिक से आपको कंट्रोल करके रखा हुआ है, वरना आप इमीडिएटली सो जाओगे। इसलिए अगर किसी लेक्चर में कोई सो रहा है इसका मतलब वो स्पीकर उसको, ऑडियंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कैप्चर नहीं कर पा रहा। ऐसी क्लास में होता है। तो ऐसी मन पे, अगर मन पे कंट्रोल नहीं है तो शांत नहीं हो सकता कभी भी। हमें कैसे पता लगेगा माइंड पे कंट्रोल है या नहीं, कैसे पता लगेगा? अगर आप जंगल में आके बैठ गए और आप चैंटिंग कर रहे हो और आपका मन लग गया तो आपका माइंड पे कंट्रोल है या नहीं? क्या कहते हो? व्हाट डू यू से, यस या नहीं? हाँ या ना, मतलब क्या है, क्या है, मतलब क्या सांप सूंघ गया क्या? तो नहीं है, क्योंकि आप जंगल में चले गए, कुछ भी नहीं है, चैंटिंग की मन लग गया, ठीक है। तो उसको कंट्रोल नहीं कहते। कंट्रोल तो तब कहते हैं जब आप मंदिर में बैठे हो राजपुरा में, या इस्कॉन में कहीं भी, या सोसाइटी में रह रहे हो एज अ गृहस्थ, और हजार चीजें चल रही हैं, और फिर आपने चैंटिंग की, फिर आपने लगा लिया, वो कंट्रोल है। अदरवाइज कंट्रोल नहीं, अदरवाइज तो लग जाएगा, तो किसी का भी लग जाएगा। इसलिए भक्ति सिद्धांता हमेशा कहते थे सेवा करो। जो जो डिवोटीज वृंदावन में जाके बैठना चाहते थे वो कहते थे मत बैठो, दिल्ली जाओ और मठ खोलो, लोन ले लो, प्रीचिंग करो। तो उसमें फिर उसको पता लगेगा उसका माइंड रियली, मतलब हिंदी में कहावत है ना कि कौन कितना पानी में सुने, वैसे पता नहीं लगता। तो इसलिए भैया अगर जो वृंदावन में बैठा है आराम से चैंटिंग हो रही है, कुछ नहीं कह सकते, उसका माइंड कंट्रोल है नहीं। इसीलिए सबसे बड़े कांड तो वृंदावन में ही होते हैं, सारे कांड तो वहीं होते हैं, क्योंकि पता नहीं। कंट्रोल तो तब पता लगता है जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, और उसमें भी आपने कंट्रोल करके रखा है, तब वो कंट्रोल करने की वो पावर आती है नहीं? भाई आप स्ट्रांग कैसे बनोगे, फाइटिंग कैसे आएगी? फाइटिंग आप करना सीख जाओगे? तो अगर आप एक बच्चे से फाइट करोगे तो सीख जाओगे फाइटिंग करना? एक्सपर्ट बनोगे? नहीं बनोगे। या वो जो पैड नहीं होता, वो क्या कहते हैं, बॉक्सिंग पैड पे पूरे लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या बॉक्सर बन जाओगे? नहीं, वो तो एक प्रैक्टिस है। किसी और बॉक्सर से आप फाइट करोगे तब बॉक्सिंग आएगी। तो सिचुएशंस में जाना पड़ता है, तो उसको कहते हैं निरोध। तो माइंड कंट्रोल, निरोध टॉपिक हमें सिखाता है माइंड कंट्रोल कैसे करना है। जब माइंड कंट्रोल होगा तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तब भगवान में लगने लगेगा मन। सो वो हमें सिखाएगा निरोध। ये सेवन टॉपिक है निरोध। हम तब जब माइंड कंट्रोल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब अपनी आत्मा क्लियरली दिखाई देने लगेगी। सो इसलिए एडवाइस है, जब चैंटिंग करो तो सब भूल लो, तो चैंटिंग में मन लाओ, तो फिर सेवा याद नहीं करनी चाहिए, सेवा हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको निरोध कहते हैं। और फिर उसके बाद कौन सा टॉपिक है, नाइन टॉपिक कौन सा है, मुक्ति। ये तो बहुत फेमस वर्स, प्रभुपाद कोट करें, मुक्तिर हितवान अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थित, सिक्स्थ वर्स, सेकंड कैंटो, टेंथ चैप्टर, सिक्स्थ वर्स। ये तो याद ही कर लो आप, भगवद्गीता के इंट्रोडक्शन में आया है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। मुक्ति की डेफिनेशन क्या है, हितवान अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति।
सो मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब अपने अपने रूप को छोड़ देना, अपने झूठे रूप से आसक्ति छोड़ देना और अपने असली रूप में स्थित हो जाना, वो मुक्ति है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, उसको मुक्ति कहते हैं। मतलब मुक्ति मतलब ये समझ जाना मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं बस। एक्चुअली आत्मा से भी ज्यादा कि मैं भगवान का दास हूं, तो वो मुक्ति है। ये टॉपिक आपका 8th और 9th कैंटो में डिस्क्राइब्ड है मुक्ति के बारे में, स्पेशली 9th में मुक्ति के बारे में डिस्क्राइब्ड है। वैसे 9th कैंटो में टॉपिक्स क्या, किसी को पता है, किसी को याद है 9th कैंटो में क्या डिस्कशन है? हाँ, चार्वक मुनि। हम नहीं मतलब पूछ रहा हूँ कि तो कि 9 टॉपिक मेन चीज क्या डिस्कस्ड है? रामलीला है थोड़ा सा, तो और भी वंशों की कथा है ना, और भी अलग अलग वंशों, मतलब पूरा का पूरा जीनियोलॉजी दे रहे हैं, है ना, कि इसके पुत्री है, उसका पुत्री है, उसका पुत्री है, उसका प्रॉपर पौत्री है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब्ड है। एक तो ये है, और एक और मेन चीज है 9th कैंटो में, क्या है मेन पास टाइम? हाँ, पुरंजन, अम्बरीश महाराज 9th कैंटो। हाँ, नीमी महाराज। हाँ, नीमी महाराज, तो नीमी महाराज, चलो मैं कहा मेन कौन सी, अम्बरीश महाराज 9th कैंटो, अम्बरीश महाराज 9th कैंटो में। सुमुक्ति, मुक्ति हितवान ने था, इसको मुक्ति कहते हैं, ये 9th टॉपिक। और 10th कौन सा है? 10th है आश्रय। तो सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं? आश्रय के। हम इससे ये सब कुछ क्यों समझा, ये 9 टॉपिक्स क्यों समझ रहे हैं हम? सर्ग विसर्ग स्थानम पोषण अमूतया मन मंत्रे शानु कथा निरोध मुक्ति। हम मुक्ति भी क्यों चाहते हैं? भगवान का आश्रय लेने के लिए। दिस इज 7th श्लोक। अभासश्च निरोधश्च यतो यतो अस्ति अध्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। भगवान का आश्रय लेने के लिए। आश्रय का मतलब क्या है, किसी को पता है? आश्रय का मतलब क्या होता है? ये नहीं बता देते। हाँ, सरेंडर। आश्रय को टेक्निकली बोलते हैं शरणागति, हमारे हमारी लैंग्वेज में। मगर वैसे अगर आप देखोगे तो आश्रय का मतलब क्या होता है, आश्रय अगर आप रियली में अगर आप रियली समझना चाहोगे आश्रय, तो आश्रय की डेफिनेशन है एक्चुअली। आश्रय का मतलब होता है, आश्रय का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी व्यक्ति के पास जाकर उससे हेल्प मांग रहे हैं। आश्रय का मतलब ये नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। हमें लगता है ना आश्रय मतलब हेल्प मांग रहे हैं उससे, नहीं, रॉन्ग। आश्रय का मतलब है हम किसी व्यक्ति के पास जाके उस, मतलब स्पेशली भगवान की, भगवान के पास जाके भगवान को हेल्प दे रहे हैं। आश्रय बिल्कुल उल्टा है, ये हरिभक्ति विलास में एक्सप्लेन है, प्रभुपाद भी एक्सप्लेन करें नेक्स्ट डिवोशन में। हम भगवान के पास ले नहीं जा रहे हेल्प मांगने के लिए, हम भगवान के पास जा रहे हैं भगवान को हेल्प देने के लिए, भगवान की हेल्प करने के लिए, उसको आश्रय बोलते हैं। और ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग भी है। मान लीजिए तो घर में नौकर होते हैं, यानी तो पुश्तैनी नौकर नहीं होते थे, कहते थे नहीं नौकर पुश्तैनी, मतलब घर के नौकर नहीं होते थे, चलते जा रहे थे। तो वो नौकर अपने अपने स्वामी जो, तो वो नौकर हमारे परिवार का आश्रय लेता था। क्यों लेता था आश्रय? कि वो बैठा रहे, हम उसकी मदद करते रहे। तो कहता था कि साहब जी आप अपना आश्रय दे दीजिए, ऐसा कहते नहीं कहते हैं कि आप अपना आश्रय दे दीजिए। या तो पहले जमाने में अगर कोई जॉब लेने आता था तो ऐसे ही बोलता था कि मालिक साहब जी मेरे पास खाने पीने को नहीं है, अपना आश्रय दे दीजिए, ऐसे ही कहता था, नहीं कहता था। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप अपने आप को मुझे जॉब दे दीजिए, मैं सेवा करूंगा। तो आश्रय का मतलब ये था पहले, आश्रय का मतलब नहीं कि उस पर टंग जाओ, आश्रय का मतलब है कि आप भगवान आप अपने आप मुझे कुछ जॉब दे दीजिए, कुछ सेवा दीजिए, मैं आपका मिशन बढ़ाऊंगा, आपकी कंपनी बढ़ाऊंगा, आप धर्म की स्थापना करना है, मैं उसमें मदद करूंगा मैं। सो आश्रय का मतलब ये है। सो आश्रय 10 टॉपिक है, उसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं।
और जब आश्रय मिल जाएगा तो आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। जब भगवान अपना आश्रय दे देंगे, जब भगवान आश्रय मतलब आपको पार्षद बना लेंगे, बेसिकली अगर टेक्निकली पूछो आश्रय का मतलब है भगवान का पार्षद बन जाना, पार्षद मतलब भगवान का इटर्नल एसोसिएट बन जाना, ये आश्रय है। भगवान ने अपना निजी परिकर हमें बना लिया, वो बन गया आपकी लाइफ परफेक्ट, आप भगवान के पास चले, बस काम खत्म हो गया, वो आश्रय उसको हम चाहते हैं, दैट्स ऑल। सो ये 10 टॉपिक्स हैं, आप जाके रिवाइज कर लेना, फर्स्ट श्लोक से लेके सातवें श्लोक तक भागवतम में, सेकंड कैंटो 10 चैप्टर, पहले श्लोक से सातवें श्लोक तक भागवतम 10 टॉपिक्स डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये महापुराण में 10 टॉपिक होते हैं, जो ऑर्डिनरी पुराण है उसमें केवल 5 टॉपिक होते हैं, और 5 टॉपिक हाँ ओके, कुछ पूछना है कुछ कहना है स्टॉप है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या कह रही हो, एक क्वेश्चन क्लियरली पूछो ना क्वेश्चन। अच्छा, अगर हम भगवान का परिकर बन जाएंगे तब भी जीव तत्व ही रहेंगे, विष्णु तत्व हम बन ही नहीं सकते, इनफैक्ट मध्वाचार्य लिखते हैं लक्ष्मी भी जीव तत्व है, वो तो हमें तो छोड़ ही दो, मध्वा ऐसा लिखते हैं या बलराम भी राधा रानी सब जीव तत्व है उनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं, मतलब वो तो वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि मध्वा एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट रखना चाहते हैं भगवान को, द्वैत है ना, भगवान से किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, किसी का नहीं हो सकता, लक्ष्मी का भी नहीं, तो उनके सिस्टम में उनको जीव तत्व बोल दिया। वो मध्वा की इंटेंशन क्या है वो हमें समझनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज लिटिल ट्रिकी, वो कहते कुछ है मीनिंग कुछ और आ जाता है, बट वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने इस तरह बोला। इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत स्वामी सारगो ने आर्टिकल लिखा है इस पे कि मध्वाचार्य ने लक्ष्मी को जीव तत्व क्यों बोला है, ऑफकोर्स हमारे अकॉर्डिंग तो विष्णु तत्व है, हमारे अकॉर्डिंग तो बल्कि शक्ति तत्व है, उन्होंने जीव तत्व क्यों बोला है, तो भक्तिसिद्धांत कह रहे हैं बिकॉज आइडिया ये था कि वो समझाना चाहते हैं विष्णु बिल्कुल अलग है, हम सोच भी नहीं सकते वो क्या है अपने माइंड से, भगवान कौन है हम सोच नहीं सकते, जब तक वो बताएंगे नहीं वो कौन है तब तक हमें समझ नहीं आएगा, हम इंटेलेक्चुअली हम सो विचार से थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हैं, परम शक्तिशाली हैं सर्व विद्यमान है, इतना एग्जैक्टली क्या हमें कभी समझ नहीं आएगा, कभी नहीं समझ आ सकता, बियॉन्ड है हमारे, अचिंत्य खलुए भावा बियॉन्ड है, इसलिए उनको वहां पे लिया है। तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो जीव तत्व भी नहीं है, हम तो नॉनसेंस है, मुझे ऐसा लगता है एक और तत्व बनाना पड़ेगा, नॉनसेंस तत्व, जीव तत्व फिर भी सही होता है हम पूरे नॉनसेंस तत्व है, हम तो ऐसे हैं, कुछ नहीं हो सकता हम लोगों का, भगवान से जुड़ के ही होगा तभी होगा, हम अपने लिए कॉम्प्लिकेशन है ना, प्रॉब्लम ये है ओके क्या कहते हो और क्या कहते हो किस तरह रहो, होता है ऐसे कहीं बहुत प्रॉब्लम होती है, कंट्रोल में नहीं होती, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसा भी होता है, उसके लिए या तो भक्तों का संग लो, उसके लिए काउंसलिंग चाहिए शायद, क्योंकि प्रॉब्लम तो हर एक को आती है, नहीं प्रॉब्लम तो हर एक को ही आती है, मतलब प्रॉब्लम ये नहीं कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम को सही से देख नहीं पा रहे, हाँ मुझे पता है आपका क्वेश्चन मुझे याद है, पिछली बार आपने क्वेश्चन पूछा था और अभी भी ये क्वेश्चन है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है पता है, अच्छा मैं बताऊँ, एक काम करो आप, दुनिया की प्रॉब्लम्स पे रिसर्च करो, आपको पता लगेगा आपकी प्रॉब्लम जीरो है, लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आप बोल तो पा रही हो, जिंदा हो ना, अब लोगों को देखो आधे जिंदा आधे मरे हुए, तो प्रॉब्लम्स तो हम अपने लेवल पे प्रॉब्लम सोच रहे हैं ना, आप और लोगों की प्रॉब्लम देखोगे तब आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएगी, तरीका ये होता है प्रॉब्लम से डिस्टर्ब नहीं होने का, तरीका ये होता है,
आप हायर टेस्ट ले लो, लोअर टेस्ट छूट जाएगा, वो भी तो है। रस वर्जम रसोपियस से प्रॉब्लम्स का रस ले लो, हायर प्रॉब्लम्स का रस, तो लोअर प्रॉब्लम छूट जाती है। तो हम भी ऐसे जीते हैं भाई, हजार प्रॉब्लम होती है मगर हम सोचते हैं भाई एटलीस्ट हम जिंदा तो हैं, कोमा में तो नहीं है, पड़े होते आईसीयू में। ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई पकड़ ले, टॉर्चर कर रहा हो, फिर क्या करोगे, किडनैप करके ले जाए, बांध दे और रोज धीरे धीरे आपका एक एक उंगली काटे और टॉर्चर करे, तो फिर आपको इस सिचुएशन में चली गई, ठीक है, फिर भगवान कहेंगे ठीक है ऐसा है, या चूज कर लो, या तो इस सिचुएशन में रहो या पहले वाली सिचुएशन में चली जाओ, तो क्या बोलोगे, भैया ये तो छुड़वाओ, ये क्या हो रहा है, वही सही है। तो हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं ना, हम लोग एक रियलिटी भूल के अपने में घुस जाते हैं। तो एक वो था आपका मोजार्ट, मोजार्ट पता है, मोजार्ट म्यूजिशियन था ना, मोजार्ट, मोजार्ट आपने नहीं सुना होगा, बहुत बड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड का म्यूजिशियन है। तो मोजार्ट अंधा हो गया था, मोजार्ट मतलब म्यूजिशियन था ना, सुनता था सिर्फ, तो उस वो अंधा था, तो वो बड़ा दुखी हो गया कि मैं अंधा हूँ, मैं कुछ देख नहीं पा रहा, मैं सुसाइड कर लूंगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या मतलब भगवान ने ऐसा क्या किया। तो वो नदी के पास गया, तो वहां पे उसको रोने की आवाज आई, तो वो गया, उसने कहा कि कौन है अभी, तो एक औरत बैठी थी, तो उसने पूछा क्या हो गया क्या हो गया, तो कोई जवाब नहीं दे रही थी, तो फिर उसने उसको हिलाया, तो उसने कहा कौन है, वो बहरी थी, उसको हिलाया, तो उसने औरत ने कहा नहीं मुझे मत छुओ प्लीज, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, ये वो, तो मोजार्ट तो अंधा है, तो वो सुन तो सकता था, ने कहा मैं सुसाइड करना आती हूँ, मेरे पास मत आओ, तो वो अपने भी बोलने लगी मैं सुसाइड करना आती हूँ क्योंकि मैं बहरी हूँ, भगवान ने मुझसे मेरे कान छीन लिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। तो मोजार्ट को एकदम से समझ आया, ओ माय गॉड, मेरे पास तो कान है, ये मरना चाहती है क्योंकि बहरी है, मैं मरना चाहता हूं क्योंकि मैं अंधा हूं। आप देख रहे हो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों ये सोच रहे हैं भगवान ने क्या छीन लिया। मैं कहा मोजार्ट ने फिर सोचा भगवान ने दिया क्या है, मैं उस पर सोचूं, एक मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मैं क्यों सुसाइड करूं। और फिर उसके बाद बहुत बड़ा म्यूजिशियन बना वो, उस टाइम म्यूजिशियन नहीं था वो, फिर उसने ठीक है भगवान ने मुझे कान दिया, ठीक है मैं सिंगिंग पे फोकस करूंगा, गाता रहा, बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन गया वो, मतलब आज तक फिफ्थ सिम्फनी तो सबको पता है। तो ये बात है, हम परेशान तब होते हैं जब हम देखते रहते हैं भगवान मतलब हमसे क्या छीन गया, ये हो गया वो हो गया, भाई वो देखो जो है और उसको यूज करो, आगे बढ़ो, क्योंकि संसार तो ऐसे ही, संसार में तो प्रॉब्लम रहेगी, संसार में तो चीजें छीनेंगी, संसार तो दुखालयम है, आप चेंज थोड़ा ना कर सकते हो, इसको सुखालयम बना लोगे, भगवान अगर दुखालयम कह रहे हैं तो सुखालयम बना सकते हो, असंभव। जिसने घर बनाया है उसने उसके आगे नेम प्लेट भी लगा दिया दुखालयम, अब वो बदल नहीं सकता। तो बदल क्या सकता है कि आप उसमें बस देखो भी आपके पास क्या चीजें हैं और उसको यूज करते रहो और अपने आप को उठाते रहो, आगे बढ़ाते रहो और यहां से निकल जाओ, बस दैट्स ऑल फिनिश। तरीका ये है, और कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका नहीं। सो हम तो ऐसे ही सोचते हैं, एटलीस्ट मेरे हाथ तो काम कर रहे हैं, हेल्दी तो हूं। अब आपने देखा नहीं ना, अभी संसार ही नहीं देखा, वैसे अब तो यूट्यूब से देख ही सकते हो सब, तो यूट्यूब की आप जाओ, बहुत परेशान है लोग, बहुत परेशान है, अल्टीमेट परेशान है, मतलब जिसको जिसको कैंसर हो जाता है उससे पूछो, अगर आपको चॉइस दें ये प्रॉब्लम है या कैंसर कर दें तो क्या चूज करोगे, मुझे बताओ, करोगे कैंसर चूज? भैया कैंसर ना हो, दुनिया की सारी प्रॉब्लम दे दो, कैंसर नहीं होना चाहिए, ऐसी की तैसी हो जाएगी। सो दैट्स हाउ इट गोस। सो तरीका ये है, नहीं आप उस पर फोकस करो जो है, जो भगवान अच्छी चीज है उसको यूज करो, आगे बढ़ो, उसमें मन लगाओ, जो नहीं है, जो प्रॉब्लम हो रही है उसको भूल जाओ, चीजें आएंगी चली जाएंगी, ऐसी बात होती है बस। तभी तो कह रहा हूं मन की तो प्रॉब्लम है, आप खुद ही कह रही हो, तो उसको शांत करने का तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। अगर आप सोचोगे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब मन शांत होगा, नहीं,
क्योंकि प्रॉब्लम तो कर्मों से आ रही है, वो आएगी, जब तक कर्म नहीं रुकेंगे प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। कुछ भी कर लो आप चाहे यहां से शिफ्ट होके पूरा अमेरिका में हो जाओ, सेम प्रॉब्लम आ जाएगी, देखना, सेम प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन ही नहीं है, सॉल्यूशन तो ये है जो मैं बता रहा हूं, बस दैट्स ऑल हाउ इट गोस। नहीं नहीं वही मैं कह रहा हूँ, सॉल्यूशन है। इसलिए आप भक्तों से बात करो, भागवत पढ़ो और देखो भाई दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या है, इस पे रिसर्च करो, दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या है इस पे करो, आपको पता लग जाएगा, खुश हो जाओगे। वाह, ऐसे क्लास में ऐसे होता है, पता है क्लास में पता है क्या होता है, तो बच्चे को फ़ोन करते हैं, बेटे तू फेल हो गया, रो रो के। फिर उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है, मैं भी फेल हो गया। तीसरे फ्रेंड का, मैं भी फेल हो गया। सब फेल हो गए, आ हा हा, तब खुशी होती है, सब फेल हो गए भाई। होता है, नहीं होता है, मतलब कंपटीशन में होता था हमारे साथ, तो मेरा कंपटीशन में हुआ नहीं था, मेरा पता नहीं कौन सी एक कॉम्पिटिशन दिया था मैंने, तो मैं बड़ा रो रहा था, तो मेरे दो तीन फ्रेंड्स का फ़ोन आया, यार हमारा भी नहीं हुआ। मैंने कहा यार अब शांति मिली, किसी का नहीं हुआ। सो यू सी द पॉइंट है, सिचुएशन सब है, बट इन्फॉर्मेशन से चीज़ें बदल जाती हैं। आपके पास इन्फॉर्मेशन कम है, तो सही इन्फॉर्म, आप दुख जानो ना संसार के, आपको पता लग जाएगा। मतलब आप समझने की कोशिश करो, संसार दुखालयम है, इस पर PhD करो, दुखालयम है, आप खुश हो जाओगे अपने आप। यार प्रॉब्लम है, ठीक है यार, सड़क पे तो नहीं रह रही, घर है, खाना मिल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? लोग ऐसे घर भी नहीं है, सड़क पे पड़े हुए, एक रोटी नहीं मिल रही उसको, तो क्या होगा फिर, क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। इस दुनिया में रोटी कपड़ा मकान होना बहुत बड़ी बात है, अभी हमने जीवन देखा नहीं ना, बहुत बड़ी बात है, मतलब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि इसको रोटी कपड़ा मकान तीनों मिल गया, बस खुश हैं हम, क्या प्रॉब्लम है? सो इट गोज लाइक दैट। सो अभी आप ऐसा करो, वर्ल्ड टूर के लिए चले जाओ, दैट्स अ गुड आइडिया, मजा भी आ जाएगा, घूम भी लोगी और आपको पता लग जाएगा दुनिया क्या है, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। वर्ल्ड टूर पे जाओ, लोगों से बात करो, लोग बताएंगे भैया, फिर आप आओगी वापस घर तो बड़ी खुश आओगी, अरे हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम तो आराम से बैठे हैं। तो ऐसा होता है, इट गोज लाइक दैट। ओके, सो हैविंग सेड दैट, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।